मेरा नाम शिवाजी भास्कर है, मैं इग्नू में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरी वाइफ स्नेहा सिंह भास्कर है और स्नेहा को एक्चुअली काफ़ी दिनों से, करीब करीब 4 सालों से एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसमें कि बर्थ के टाइम से ही। स्नेहा आप बताना चाहेंगे इसके बारे में? थोड़ा मेरा नाम स्नेहा है और सिंस बर्थ आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फिस्टुला, और ये मुझे एक्चुअली पता बहुत लेट चला, क्योंकि 4 साल पहले मेरा बेबी हुआ, उसके 2 साल बाद मुझे एब्सेस बना बिकॉज ऑफ दैट फिस्टुला। तो जब वो एब्सेस बना उसके बाद मेरी पेन होल सर्जरी हुई, जो कि एम्स हॉस्पिटल में हुई, बट दैट वॉज ऑल्सो नॉट सक्सेसफुल। तो जब भी ये जब मैं वापस डिस्चार्ज होकर के घर आ गई, तो उसके बाद भी काफी टाइम ये रीअकर हुआ बार बार। तो बार बार एब्सेस बनता रहा और मैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाती रही, उसमें होली हॉस्पिटल भी है। हर बार वो वहाँ पे टियर करके प्रॉपर ओपन सर्जरी करते थे और वो निकाल देते थे। ऑलमोस्ट 3 बार। मैं इसमें एक्चुअली सर एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जब हमारे बेटे की बर्थ का प्लान हुआ था 2015 अक्टूबर में उसकी बर्थ हुई, तो हमने होली एंजल्स जो वसंत विहार में वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, और सडनली हम एक्चुअली विजिट के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बच्चा जो है होने वाला है। तो इस तरीके का एनवायरमेंट बनाकर उन्होंने एपिजियोटमी कर दी, और उसकी वजह से जो एक तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर किया उन्होंने, और उसकी वजह से इन्फेक्शन अंदर हो गया, और हमें इस बारे में ना तो काउंसलिंग की गई और ना ठीक से बताया गया, ना रेकमेंड किया गया कि जैसे MRI है या एक्सरे है, जो भी इस तरीके के टेस्ट अवेलेबल है उससे हम इस चीज को पता कर सकें। तो वी वर लेफ्ट इन द डार्क एंड वी वर लेफ्ट ऑन आवर ओन विदाउट एनी कंसल्टेशन और काउंसलिंग। उसके बाद हम लोग मैक्स हॉस्पिटल साकेत गए, हमने सीताराम भरतिया में दिखाया, हमने और बाबा अम्बेडकर जो रोहिणी में वहाँ दिखाया, हमने एक दो और हॉस्पिटल्स में भी दिखाया, जैसे कि हम इग्नू में हैं तो हमारे बगल में बलहारा हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर ने मतलब डायरेक्टली ही इसको INS कर दिया जब एब्सेस की प्रॉब्लम हुई। तो लेकिन बड़ा सरप्राइजिंगली किसी ने कि ये बताया कि ये फिस्टुला है, कि आप MRI करा लीजिए या फिर कोई टेस्ट करा लीजिए जिससे कि एग्जैक्टली पता चल सके और कम से कम इन्वेसिव ट्रीटमेंट इसमें। और इनफैक्ट आज के डेट में तो आप अगर गूगल करो ना, तो मतलब मुझे जब पता चला कि फिस्टुला नाम की चीज होती है, तो मैंने गूगल करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि अगर पेरिनियल एरिया में आपका एब्सेस बार बार रीअकर कर रहा है, तो उसका रीजन एक हो सकता है कि फिस्टुला हो, और ये 99% केसेस में ये फिस्टुला ही होता है। 99% जो एब्सेसेस हैं दे आर ऑल फिस्टुला। ऑल फिस्टुला। और किसी भी डॉक्टर ने हमें ये चीज नहीं बताई कि ये फिस्टुला है। So that I am surprised कि इतने सारे डॉक्टर्स को किसी को ये नहीं पता कि ये फिस्टुला है। मतलब I'm telling you ऐसा नहीं है कि अभी आप जैसे आपका केस है। पेशेंट इन दैट ये गलत है। If you can't treat them, not able to know about it. अभी जर्मनी से पेशेंट आया है, 22 सर्जरीज ओवर द पीरियड ऑफ 6 months। My goodness. Frankfurt, the biggest hospital, अपने एम्स से कितने आ जाएंगे उसके अंदर? And 22 surgeries, he was almost admitted in hospital for over almost a year. 6 to 8 months तक वो वहीं पे दाखिल रहा, and they were doing the surgeries again and again without finding anything. Then the patient comes to us. यहाँ पे मुझे भी 4 sitting करने पड़े उसकी, over 4 sitting में वो खत्म हुआ। But जब वो पहली बार यहाँ आया, ये room देखा, मैं फ्रैंकफर्ट छोड़ के आया हूँ जर्मनी से और ये हॉस्पिटल, सीधा वापस फ्लाइट लिया उसने वापस जाए। जब एयरपोर्ट पे गया, पता नहीं उसके दिमाग चेंज हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कम से कम पूरा ठीक हो गया। तो दिस डिजीज इज लाइक दिस, कि कोई भी इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। बट अब्सेस बना क्यों, व्हाई इट इज इन्फेक्शन का हमेशा ही ऑलमोस्ट 99% it is from the anus. अंदर से ही आता है और फिर वो बाहर। I don't know, डॉक्टर्स ने बताया क्योंकि मतलब जब मैंने गूगल किया तो गूगल में भी खुल के आ गया कि हाँ भाई 99% केसेस यही रीजन ही होता है। तो बार बार पेरिनियल एब्सेस हो रहा है तो डॉक्टर को बता देना चाहिए ना कि हाँ फिस्टुला है। याद है कि जब हम आपसे सबसे पहली बार मिले, उससे पहले से यहाँ के ऑफिस में किसी ने आपसे ट्रीटमेंट कराया था और he was all praise, you know, full of praise for you, कि वाकई में ऐसा उसको एक्सपीरियंस मिला जिससे कि हम जैसे जो लोग हैं जो इतनी पेनफुल जर्नी से होते हुए आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये सुन के ही इतना रिलीफ मिल रहा था।
सबसे पहले हम लोग जो रिपोर्ट है MRI और एक्सरे इस तरीके की चीजें जिससे कि डायग्नोस हो सके एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाए जो भी आगे की प्लानिंग है कि किस तरीके से वो ट्रीट किया जाएगा। फिर स्नेहा का कंसर्न था क्योंकि हमारा बेटा छोटा है तो मिनिमम इन्वेजिव इसमें सर्जरीज हों जो आपने रेकमेंड किया उसे किया और वाकई में मैं कहना चाहूंगा कि स्नेहा को मतलब बिल्कुल भी समस्या नहीं हुई सर्जरी एक दो दिन का पेन था सर्जिकल पेन तो अदरवाइज ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक पहले भी दिखा के गए थे बिफोर कोविड। हाँ बिफोर कोविड भी मैं दिखा के गई थी बट आई वॉज जस्ट डिलेइंग दिस थिंग बिकॉज ऑफ द बेबी। मुझे लगा कि हाँ कि एक बार थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर मैं स्टार्ट करूंगी। और कोविड के दौरान मैं कहना चाहूंगा वो तो एब्सेस बन गया ऑल ऑफ ए सडन जैसे ही लॉकडाउन हुआ आफ्टर 10 डेज। आई मीन 21st को लॉकडाउन हुआ था और 27-28 तक एब्सेस बन चुका था। इट वाज सो एक्सट्रीम कंडीशन कि फिर तो कोई ऑप्शन था ही नहीं और जैसे ही मुझे ये हुआ कि हाँ कराना है ऑपरेशन तो आई वॉज वेरी मच श्योर आपसे ही कराना है और कहीं नहीं जाना। ये भी ऐसा कि जैसे स्नेहा का आपसे मिलने से पहले जो एक ट्रीटमेंट हुआ जिसमें कि उन्होंने ओपन करे तो एम्स में हुआ उसके बाद से बलकारा में हुआ उसमें उन्होंने जो वुंड को ओपन कर दिया तो फॉर 40 डेज शी वॉज नॉट एबल टू मूव। और इस तरीके का मेंटल जो प्रेशर है जो डिप्रेशन है इस पेशेंट जो कुछ कर नहीं पा रहा तो शी वॉज लाइक की शी वॉज लूसिंग हर कॉन्फिडेंस डिप्रेशन में चले जाते। और उसके बाद जब कोविड के टाइम पे ऐसा इसको बहुत ज्यादा फील हुआ कि हाँ भाई अब मेरे को जो है समस्या बढ़ रही है देन वी कॉल्ड योर असिस्टेंट प्रॉम्प्टली इन अ फ्यू आवर्स ही कॉल्ड अस बैक एंड कि आप सर को मिल लीजिए। और मुझे याद है कि सर को कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया। हमारा इतने सालों का एक्सपीरियंस है दिल्ली में रहने का और इतने हम वैरायटी के हॉस्पिटल्स घूम चुके हैं आज तक कभी किसी डॉक्टर ने कॉन्फ्रेंस में बात ही नहीं करी। कोविड का तो टाइम छोड़ दीजिए उससे पहले की बात। और कोविड के टाइम में सर इतने बिजी होने के बावजूद सर ने प्रॉब्लम को समझा और सर ने तुरंत डिसीजन लिया विद इन 5 मिनट्स कि हम सर को दिखा लें और क्योंकि बहुत अर्जेंट है और जल्दी इसको करना होगा। सर ने तुरंत बुलाया और सक्सेसफुली 5 सिटिंग में ये जो सर्जरीज हुई है ये क्योंकि पेशेंट को और जो साथ में होता है जैसे मैं हस्बैंड हूँ तो मुझे पर्सनली फील हो गया है अंदर से कि हाँ एवरीथिंग इज गोइंग वेल इन द राइट डायरेक्शन एंड शी इज हेल एंड हार्टी नाउ। एक्सपीरियंस कैसा रहा तभी तो पिछली बार जैसे सर्जरी होती थी ऑलमोस्ट 40 डेज बेड रेस्ट और उससे ज्यादा फियर इन द माइंड की नजर इसके पट्टियां करनी पड़ रही है। एंड व्हाट अबाउट वो जो ड्रेसिंग का पेन होता है ना ओपन सर्जरी से एक्चुअली क्या है ओपन सर्जरी में एक तो हीलिंग में टाइम लगता है। अगर हीलिंग में टाइम लगेगा तो जाहिर सी बात है आप 2-3 महीने जो हो वो या तो बेड रेस्ट पे रहोगे आप नॉर्मल घर के काम नहीं कर सकते अपने छोटे पर्सनल काम भी नहीं कर सकते तो इसलिए बहुत उस टाइम पे डिप्रेशन में मैं चली गई थी। मतलब 2-3 महीने लग गए थे उस वुंड को कम्प्लीटली हील करने में। दैट्स व्हाई मेरा ये कंसर्न था कि मिनिमम इन्वेजन होना चाहिए उसमें मिनिमम होने के बाद भी आपको 7 डे से पता था कि ये ठीक नहीं हुआ। हाँ और इनफैक्ट जब फर्स्ट सेटिंग हुई थी तो मैं थोड़ा डाइसी थी क्योंकि फर्स्ट सेटिंग के बाद बहुत पेन था एक हफ्ते तक बहुत पेन था बहुत ज्यादा एब्सेस था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब सेकेंड सेटिंग होती गई आफ्टर 3rd सेटिंग में ही मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कम्प्लीटली कि ये ठीक हो जाएगा। थी और अच्छी जो मुझे लगी पर्सनली कि प्रोफेशनल एथिक्स जो है वो भी बहुत अच्छे थे कि तुरंत जैसे इसको पेन हुआ क्योंकि उससे पहले ये एक्सपीरियंस नहीं था तो तुरंत ही मेरी डॉक्टर थी ना वो मैम जो थी उनको रिकमेंड किया था आपने और उन्होंने तुरंत कुछ ही मिनट हेल्प की उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने बोला बहुत पर्सनली कि हाँ कभी भी पेन हो तो यू कैन कॉल मी। तो इतना मेंटल सेटिस्फेक्शन ही हो जाता है कि आपने किसी से बात कर ली डॉक्टर से कि हाँ जो भी है पेन हो रहा है उसको कैसे टैकल करना थैंक यू सो मच। क्योंकि इतना आपने एक जो एटीट्यूड था इतना पॉजिटिव एटीट्यूड था कि स्नेहा को कुछ ही मिनट्स में बहुत अच्छे से आपने समझाया और एक दिन में ही मतलब जैसा इन्होंने डायरेक्शन दिया मैंने उसको प्रॉपर फॉलो किया और उसके बाद वो पेन ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे करके फिर वो सेटल था। बिल्कुल। और एक चीज और भी है कि मतलब ये डिफरेंट स्टेप्स में है ओवरऑल क्योंकि इट्स अ टीम वर्क तो उसमें पेशेंट्स के साथ में डॉक्टर्स हैं जैसे आपके एनेस्थीसिया के जो एक्सपर्ट हैं शी इज सच अ गुड
स्पेशली सामा में और डॉक्टर क्या नाम, उन्होंने मेरे को पता ही नहीं चला कि डॉक्टर बिंद्रा ने कब एनेस्थीसिया दिया, मतलब ऐसा कभी लगा ही नहीं कि सर्जरी हो रही है। अदरवाइज हमारा जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे वी वर स्केयर्ड कि इस तरीके का प्रोसीजर है और एनेस्थीसिया लगता था, उनकी हालत बहुत बुरी होती थी उस टाइम, मेरी नर्व्स वगैरह भी काफी वो। थैंक गॉड कि हमें पर्सनली यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, नो डाउट एज अ पर्सन सर यू आर ग्रेट, और एज अ डॉक्टर थैंक यू सो मच बिकॉज आई हैव नेवर सीन सच अ डॉक्टर, सो आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड टू द वे यू डिड योर जॉब, इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। और हम रेकमेंड करेंगे कि इस तरीके की अगर किसी भी समस्या, भगवान ना करेंगे इतना लेट होने के बाद लोग आपके पास आए, हम चाहेंगे कि किसी को भी अगर इस तरीके की कोई समस्या है तो वो पहले ही कुछ ही दिनों में हफ्तों में दिखा जरूर लें, क्योंकि ये बिल्कुल अपने दिमाग से मुझे लगता है लोगों को निकाल देना चाहिए कि आप जब जाएंगे तो प्रोसीजर लंबा होगा, नॉट नेसेसरीली कि आप जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी कितने पेशेंट हैं, अगर वो टाइम पे आ जाए तो दे जस्ट हैव टू कम ओनली वंस, उसके बाद उन्हें आना ही नहीं है, उस स्टेज वाले पेशेंट हमारे पास पहुंचते हैं। एक्चुअली लोग ये भी सोचते हैं होता है ना, मतलब ये ऐसी बीमारी है कि थोड़ा सा लोग हिचकिचाते हैं, थोड़ी अवेयरनेस की भी जरूरत है। डिजीज इज कॉम्प्लेक्स, जैसे आपके केस में हुआ, अगर आपका केस में और एक बार ऐसा हो जाता तो आप यही समझते कि ये तो कभी ठीक होगा, ठीक होगा, ठीक है, एक्चुअली है नहीं ऐसा, ठीक तो होनी थी, हो गई, ठीक है, बट चार लोगों से बात हुई, अच्छा ये तो उसने भी कराया था, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली, तुम ये खा लो, आयुर्वेदिक खा लो, खा लो, वट एवर दे विल गिव यू, एलोपैथिक मेडिसिन, एंटीबायोटिक भी देंगे आपको, बट इट इज नॉट ए मेडिकल प्रॉब्लम, ये सर्जिकल प्रॉब्लम है, इट हैज टू बी ट्रीट सर्जिकल, ठीक होगा, हो सकता है आपको पार्शियल केयर मिले, हो सकता है रिकरेंस भी हो, बट अगर राइट वे से हुआ है तो ये दोबारा नहीं आना, राइट, बट अब होता क्या है कि एक का ठीक नहीं हुआ, चार दस लोगों के बीच में कि ये तो ठीक नहीं हुआ, नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, हर एक का केस सेम नहीं है, कि हर एक को पांच सीटिंग छह सीटिंग नहीं लगनी, दो सीटिंग नहीं लगनी, 90% को शायद एक ही सीटिंग में ठीक हो जाए, पर अगर वो टाइम पे आए तो एग्जैक्टली डॉट कम एंड टाइम, वो पहले उनको खुद होम मेडिसिन, फिर उसके बाद मिथ्स इतनी है, ऑपरेशन कराओगे तो ये हो जाएगा, कंट्रोल खराब हो जाएगा, आपको भी पता होगा। सबसे बड़ी मिथ तो ये है कि इसका ऑपरेशन में से कोई इलाज नहीं है, सबसे बड़ी मिथ तो ये है। दूसरा मिथ मुझे नहीं पता, कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में इसका इलाज है और कहीं नहीं, वो भी सिर्फ चार सूत्र बोलते हैं, कि अब उसका तो कोई एक्सपीरियंस है मुझे, और बड़ी मेडिसिन उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर करी अच्छे अच्छे अलग अलग पोर्टल से कि मेरे को रिलीफ, वो शॉर्टकट बेसिकली, फिर साइकोलॉजिकल इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट क्रिएट हो गया, भ्रम फैलाया गया, इट इज अ इंडस्ट्री, बट हाँ डेफिनेटली कमी है साइंस में, आज तक कमी थी कि ये ठीक नहीं होते थे, बट आज नहीं है, मोस्ट ऑफ देम कैन गेट क्योर इफ दे मतलब ट्रीटेड प्रॉपर्ली, इफ दे आर ट्रीटेड प्रॉपर्ली, इफ वी आइडेंटिफाई द इंटरनल ऑपरेटिव प्रॉपर्ली, कितने भी हो अबडोमेन के अंदर ओवरीज तक पहुंचे हुए फिस्टुला हमने ट्रीट किए हैं, वजाइना के अंदर पहुंचे हुए ट्रीट कर रहे हैं, मेल्स के अंदर टेस्टिस पेनिस में पहुंचे हुए वो भी ठीक हुए, थाइस में बिल्कुल नीचे नी लेवल तक जो होता है वहां से चल गया, पैंतीस 40-40 सेंटीमीटर में दो टेक गुड टाइम, किसी को साल लग जाता है, किसी को डेढ़ साल लग जाता है, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, बट दे आर ऑल मैनेजेबल एक्सेप्ट कि वो मैलिग्नेंसी में पहुंच गए हैं, ट्यूमर हो गए, तो इट इज अ डिफरेंट सिचुएशन, दे कैन बी ट्रीटेड और हो सकता है सारे यहाँ पर ठीक हो सके, कुछ को हम सिर्फ कंट्रोल करके छोड़ दें, कुछ लोग इतना लंबा ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, कहीं पॉसिबल ही नहीं है, कोई यूएस से आ रहा है डेढ़ साल दो साल यहाँ पर रह नहीं सकता, 15 बार आ भी नहीं सकता, वो सिंगापुर से क्यों आना पड़ा उसको या जर्मनी से क्यों आना पड़ा, हू हिमसेल्फ इज अ डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, उसको तो सारा फील्ड का पता है, फिर भी उसका नहीं ठीक हुआ, दिस कैन हैपन बिकॉज द डिजीज इज बैड, एंड अनलेस एंड अनटिल हम उसके इंटरनल मेन कॉज पे रूट पे जाके काम नहीं करेंगे और राइट वे में नहीं करेंगे, ये आने ही आने वापस,
एंड देन द मिथ स्टार्ट्स, फिर जिसको मिसयूज करना है इस इंफॉर्मेशन का स्प्रेड. एग्जैक्टली सर. स्नेहा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी. जैसे कि मल्टीपल प्रोसीजर्स थे, मल्टीपल सर्जरीज होनी थी, तो आपने कैसे मैनेज की ये चीजें? लाइक बहुत लोग कहते हैं कि आपका 3 बार सर्जरी हो चुका, 4 बार सर्जरी हो चुका, और आपके भी माइंड में आया होगा भी 3 सर्जरी होनी है, 4 सर्जरी होनी है. तो बहुत लोगों को, मतलब मेरे ख्याल से, मुझे लगता है पेशेंट्स को इन चीजों का बहुत मैनेज करना, ये चीजें बहुत मुश्किल होती है. तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपका मेन कंसर्न क्या है, आपका टारगेट क्या है. मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज थी कि मुझे ठीक होना है, तो भले मुझे 3 सेटिंग लगे, 4 लगे या 6 लगे, आई हैव टू मैनेज एनी हाउ. बिकॉज कि पीछे इतना ज्यादा मैं सफर कर चुकी थी बिकॉज ऑफ दोज ओपन सर्जरीज एंड ऑल, मैं बहुत परेशान हो चुकी थी और मुझे बस ये लग रहा था कि मुझे ठीक होना है. अगर सच में इसका इलाज है और अगर कोई कर सकता है तो फिर आई टेक माई चांस. ज्यादा ज्यादा अब इतना वर्स्ट हो चुका है, इससे ज्यादा वर्स्ट क्या होगा. तो मेरे दिमाग में बस ये था 3 लगे 4 लगे 6 लगे 7 लगे, लेकिन आई हैव टू गो थ्रू दिस. एक वो होता है ना कि एक चीज आपने स्टार्ट की है तो आप बीच में छोड़ नहीं सकते. आपने स्टार्ट की है बिल्कुल डिटरमाइन होकर के कि नहीं ठीक होना है, तो फिर लास्ट तक, क्योंकि पेशेंट की पॉजिटिविटी जो होती है ना ठीक होने के लिए, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है. अगर मैं ये सोचती कि 2-3, जैसे मैं बता रही थी कि मुझे 1 में पेन हुआ, बहुत एक्सट्रीम हुआ जब मेरी आपसे बात हुई थी, तो मैंने आपसे बात की कुछ मेडिसिन का. हाँ, वो मैंने लेक्सेटिव ले लिया था, और लेक्सेटिव 1 लेना था शायद, मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया था, तो उसकी वजह से पेन हुआ. आपने मुझे गाइड किया तो फिर पेन को मैंने कंट्रोल कर लिया. फिर उसके बाद जब नेक्स्ट सेटिंग हुई तो उसमें थोड़ा सा पेन कम हुआ, लेकिन हुआ. तो ऐसे नहीं कि हाँ 1 बार पेन हुआ, 2 बार पेन हुआ, तो मैंने ये सोच लिया कि हाँ अब मैं ठीक नहीं हो सकती. मैंने स्टार्ट किया है तो मैंने चांस लिया, 3रा भी लिया, 4था भी लिया, 5वां भी लिया. और एक बहुत पॉजिटिव चीज थी मेरे उसमें, शायद ये लॉकडाउन था तो मुझे एक प्रॉपर रेस्ट भी मिल गया, एक मेंटल पीस भी था कि हाँ आपको मतलब ऑफिसर्स ऑफ हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो स्ट्रेस लेवल नहीं था, तो इसलिए भी बहुत मुझे सपोर्ट मिला, मैंने मैनेज कर लिया. बाकी मुझे मतलब एज एन अटेंडेंट और एज अ हस्बैंड, जो स्टेट ऑफ द आर्ट था और प्लानिंग थी, इसमें कंफ्यूजन नहीं था कहीं पे भी, किसी भी लेवल. क्लैरिटी होनी चाहिए स्टार्टिंग से लास्ट तक. जैसे कि आपने ब्लफ नहीं किया, आपने बोला कि हाँ 3-4 सेटिंग लगेगी, 4 से 6 भी लग सकती है, आपने स्टार्टिंग में ये चीज क्लियर कर दी थी. तो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ 3 में ठीक होगा तो होगा, अगर 6 में ठीक होगा तो होगा, लेकिन आई हैव टू गो थ्रू द प्रोसीजर, एंड ऑफ द प्रोसीजर. कैन नॉट स्टिक कि एग्जैक्टली अगर लेनी हो तो नहीं, हो नहीं रही जितनी हम सोच रहे हैं, तो वी हैव टू मेक इट लॉन्गर आल्सो. बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिसको 6 बोलते 2 में भी कर देते हैं. हां राइट, इट डिपेंड्स अपॉन प्राइमरी. इन फैक्ट मैं एक चीज और शेयर करूंगी, मैंने शेयर माय एक्सपीरियंस विद माय फ्रेंड्स एंड ऑल. तो होता क्या है कि मतलब काफी लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं हो सकते डॉक्टर पैसा बना रहा हो, तो लोगों में ये चीज भी होती है कि वो मिसगाइड भी करते हैं. बट अगर आपको ठीक होना है तो अल्टीमेटली डिसीजन आपका है, सफरर इज यू. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से. यू हैव अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड. मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं, पेशेंट तैयार है और उसकी फैमिली में कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा. मुझे लगता है सर जो सिचुएशन है आज की डेट में, अगर हम अपनी कंट्री को देखें, हमारे पास 1 से 1 हॉस्पिटल है और 1 से 1 अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपस में मिसमैच और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से पेशेंट सफर करता है. और लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, एट एंड ऑफ द डे यू विल एंड अप स्पेंडिंग अलॉट मोर देन व्हाट यू बट शुड हैव स्पेंड ऑन गुड ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट. तो बेहतर ये है कि आप वहीं से पूरा ट्रीटमेंट ले लीजिए. आपको हो सकता है ऐसा लगेगा कि मेरा एक्सपेंसेस बहुत हो गए हैं या मेरा जो है बजट ऊपर जा रहा है, लेकिन टू बी वेरी फ्रेंक, आप अगर हेल्दी हैं, आप ठीक हैं, ये चीज मैटर तो नहीं. जैसे हम लोग आपस में कहते हैं कि पूरी लाइफ पड़ी है पैसा कमाने के, वो इशू होना ही नहीं चाहिए. अगर आप हेल्दी हैं, कहते हैं कि जब आप अंदर से ही ठीक हैं, फिट हैं, तो नथिंग लाइक दैट. बाकी चीज तो मनी कैन नेवर बाय. एग्जैक्टली, वो आपको हेल्प कर सकती हैं
सिकनेस अंदर से आनी है, ट्रीट होनी है डिजीज, टिश्यू आपकी बॉडी ने बनाने हैं, हमें उसका एटमोसफेयर लेना है, प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल क्योर। तो ये एक तरह से दोनों का पार्ट है, पॉजिटिव पेशेंट और सही कह रहे सर, हेल्थ इज वेल्थ है। और अदरवाइज भी अगर पैकेज को देखें उसमें मुझे पर्सनली ऐसा, अगर बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आई नेवर फेल्ट कि इट इज टू हाई और इट्स टू लो, ये बहुत बैलेंस था। और मुझे लगता है कि इस परेशानी से, भगवान न करे अगर किसी भी फैमिली में होता है, स्पेशली अगर आपके घर में किसी लेडीज को होता है, तो इसके लिए वेट ना करें और इसको तुरंत करवाएं, जिससे कि आने वाले दिनों में आप मतलब सुखी जीवन जिए और खुशी से रहें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पूरी फैमिली पे होता है। मतलब पेशेंट से पूरा फेस ही चेंज हो जाता है, अगर आपका मैंने शुरू में लिया होता है अगर वेट, तो एक फेस में स्ट्रेस, एक हर टाइम कहीं बाहर जाने के लिए घबराहट आती है मन में, जाएंगे कैसे मैनेज करेंगे, ये खाऊं तो क्या हो जाएगा, देन यू स्टार्ट बिकमिंग इरिटेटेड आल्सो, छोटी सी बात पर गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है। इट्स ऑलवेज नेचुरल, द वन जो सफर कर रहा है उसके ऊपर आप अंडू प्रेशर डाल रहे हो, मतलब चाहे वो ना भी डाल रहे हो, बट यू आर टेकिंग योर सेल्फ, अपने आप से कि बच्चा आया तो वो चाहे कुछ भी ना कह रहा होगा, पर आपको तो पता है ना कि मुझे उसके लिए, आप उसको टाइम नहीं दे पाते तो अपने आप ही फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। अगर शरीर बीमार है ना तो उसका मेंटल पे, मतलब मेंटल सिचुएशन में बहुत असर पड़ता है। कि चार साल जितना प्रोलॉन्ग होता जाता है ना बुखार होता है, तो क्या क्या इसके रिपल इफेक्ट जो है ना वो बहुत दूर तक जाते हैं। और मतलब अब मेरी ये समझ की बात है कि भाई इसको आप चाहे कोई भी बीमारी हो उसमें अननेसेसरी सोचने में टाइम मत लगाइए, दिखा लीजिए जो भी डॉक्टर ठीक लगता है। और स्पेशली क्योंकि अब देखिए सर, ये लक की बात भी हम लोग मानते हैं, इट वॉज अवर लक, इट वॉज आवर डेस्टिनी टू मीट यू पर्सनली, एंड यू नो यू रिकमेंडेड अस एंड देन वी वेंट थ्रू द एंटायर प्रोसेस एंड शी इज हेल एंड हार्टी, शी इज हैप्पी एंड शी इज कॉन्फिडेंट। ये तीन चीजें मिसिंग थी। आज से अगर हम तीन महीने चार महीने पहले की बात करें तो ये जो तीन शब्द मैंने बोले, हेल्थ, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस, ये तीनों मिसिंग थे। और आज के डेट में एवरीडे वी यूज्ड टू गो आउट अर्लियर आल्सो, यू कैन लुक एट हर फेस एंड शी पॉजिटिव वाइब्स आर देयर एंड शी इज हैप्पी, सो बैड तो उसको हम याद नहीं करना चाहते हैं। और चाहते हैं कि एसोसिएशन बनी रहे सर आपसे आगे, और भी इस तरीके की, अब भगवान ना करे कभी कोई समस्या आए, लेकिन ह्यूमन बॉडी है, कभी ऐसा होता है, तो वी विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू मीट यू एंड हैव योर एडवाइस सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, थैंक यू मैम, वंस अगेन द एंटायर टीम इज ग्रेट, वी आर वेरी हैप्पी विद द एक्सपीरियंस। If somebody is interested to discuss with you, मतलब कोई फीमेल पेशेंट होते हैं कई बार वो फीमेल टू फीमेल बात करेंगे, कोई भी जो शेयर करना चाहता हूँ, श्योर श्योर, इट्स 9910076240। If you have any doubt, anything in your mind, going for the procedure and all, you can consult me. Thank you so much. Thank you. Thank you.